सुवर सब जान, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का भाई कुछ इस तरीके से आर्ट फोटो एडिट करना सिखाएगा, कुछ देख सकते हैं। कुछ ऐसे मेरा फोटो है और एडिट करने के बाद मैंने कैसे एडिट किया है, कलर शर्ट का कलर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मैंने किया है। और मेरा फेस इसमें तो आप लोग देख सकते होंगे काफ़ी तगड़ा हुआ है, और काफ़ी सारा बैकग्राउंड में PNG यूज किया हूँ, वो भी अंडरग्राउंड। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छे से मैंने बैकग्राउंड भी ब्लर करके यूज किया हूँ। एंड गाइज, आप लोग वीडियो में एंड तक नहीं बनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आपका भाई एकदम बवाल तरीके से, एकदम भौकाल तरीके से बताया है। अगर वीडियो एंड तक वॉच कर लेते हैं देन गाइज, आपको मैं पूरा 100% गारंटी देता हूँ कि आपको फ़ोटो एडिट करना आ जाएगा। देन गाइज, अगर नहीं आता है आपको मतलब फ़ोटो एडिट करना, आप मेरे वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। लोग नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। और गाइज, मैं आप लोग को एकदम बवाल तरीके से फ़ोटो एडिट करना सिखाऊंगा, वो भी CV है, CV नॉर्मल एडिट है, CV नॉर्मल कलर है। आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से मैं एडिट किया हूँ, काफ़ी बवाल तरीके से। और इसके पहले कैसे फ़ोटो था मैं दिखा दे रहा हूँ गाइज, इस तरीके से फ़ोटो था। आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से फ़ोटो था, आप लोग देख लीजिए गाइज। तो गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहिए, चलिए फटाफट से वीडियो पर। देन गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो वीडियो में बने रहिए। देन गाइज, फ़ोटो को सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना है स्केच बुक में, तो यहाँ से चलिए मैं शेयर कर लिया, आप लोग भी अपने फ़ोटो को शेयर कर लीजिए स्केच बुक में। देन गाइज, यहाँ भी आप वीडियो में एंड तक नहीं बनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से आप लोग को चूज कर लेना है लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी चूज करने के बाद आपको यहाँ से ए वाला ब्रश चूज करना है, एंड सेटिंग कुछ इस प्रकार से रख लेना, मैं बता दे रहा हूँ। कुछ सेटिंग आपको 4 रखिएगा, एंड स्ट्रेंथ को 8 रखिएगा, 8 8 8 रखने के बाद अपने फ़ोटो को जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो को स्मूथ कीजिएगा, काफ़ी बवाल तरीके से स्मूथ होने वाला। आपका भाई एकदम रियल तरीके से बता रहा है, कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम क्लैरिटी के साथ स्मूथ हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से वाला ब्रश आप भी यूज करेंगे तो आपका एकदम सेम एडिट होने वाला है, सेम स्मूथ होने वाला है। तो चलिए मैं फटाफट से स्मूथ करता हूँ, एकदम सेम सेटिंग पर आप यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा एडिट होगा। और गाइज, अगर एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए फटाफट से मैं फ़ोटो को अपने स्मूथ कर लेता हूँ। देन गाइज, फ़ोटो स्मूथ हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना तगड़ा स्मूथ हुआ है उस ब्रश का यूज किए हैं। तो ये वाला ब्रश और इस सेटिंग पर आप यूज करेंगे तो काफ़ी तगड़ा बनेगा। तो यहाँ से क्या करना है, इतना होने के बाद आप लोग को शेयर कर लेना अपने फ़ोटो को फाइनली गाइज स्नैपसीड में। देन गाइज, स्नैपसीड में शेयर होने के बाद आप लोग को यहाँ से टूल्स पे क्लिक कर लेना है। हाँ, टूल्स पे क्लिक करने के बाद मैं आप लोग को एक दिखा दे रहा हूँ, हीलिंग का ऑप्शन होगा, हीलिंग का ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। देन गाइज, यहाँ से और हीलिंग का ऑप्शन चूज करने के बाद जहाँ जहाँ आपका बॉडी पार्ट आपका मॉडल होगा वहाँ वहाँ आपको जहाँ जहाँ आपका बॉडी होगा, जहाँ जहाँ मतलब आपका मॉडल मतलब मॉडलिंग किया है उसको सेलेक्ट करना है। एक बार में ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन गाइज आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका फ़ोटो हट जाएगा यहाँ से। देन गाइज, इतना होगा तभी आप क्या करेंगे ना, आपका बैकग्राउंड एडिट हो पाएगा, वैसे नहीं तो ऐसे एडिट नहीं हो पाएगा। गाइज, इतना होने के बाद यहाँ से भी अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है गैलरी में। देन आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। तो गाइज, यहाँ से सेव होने फिर से आप लोग स्केच बुक में आ जाइएगा, जो भी आप फ़ोटो स्मूथ किए होंगे फिर से अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो स्केच बुक का ऑप्शन आया है ना, मतलब अपडेट आया है, इसमें फ़ोटो कभी स्मूथ करो कभी छोड़ दो, कहीं जाने वाला नहीं है। तो आप लोग यहाँ से बैक आके फ़ोटो को सेव कर लिया गैलरी में। गैलरी में सेव करने में मैं बताता हूँ क्या करना है। गैलरी में जो भी स्केच बुक से फ़ोटो सेव किए हैं उसको सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अगर यहाँ से अपने फ़ोटो को अपने सिंपली गए अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कट कर लेना है। तो चलिए शेयर कर लेते हैं फ़ोटो रूम में, अपने बैकग्राउंड को कट कर लेते हैं। देन गाइज, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं बैकग्राउंड लोडिंग ले रहा है, सर्चिंग कर रहा है, कुछ समय लगता है, नेट स्लो रहेगा तो थोड़ा टाइम लगता है, नेट फास्ट रहेगा तो बहुत जल्द बैकग्राउंड कट जाएगा। स्कैन करने के बाद आपका बैकग्राउंड कट जाएगा तो आप लोग को यहाँ से ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसमें से आप लोग को क्या करना है, केवल अपने मॉडल को सेव करना है गैलरी में।
तो सेव होने के बाद चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है। गैलरी से फ़ोटो ऐड होने में पिक्सआर्ट में यहाँ से आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है और यहाँ से कलर के बगल में आर्टिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आर्टिस्ट चूज कर लीजिएगा। यहाँ से चूज करने के बाद यहाँ से फाइटल वन आएगा ऑप्शन, यहाँ से फाइटल वन चूज कर लीजिएगा। देन गाइस इसको 15 ही रहने दीजिएगा, 50 ही रहने दीजिएगा। यहाँ से इरेज वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ से इरेज के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से साइज को 60 कर लेना है और हार्डनेस को 40-45 रख के यहाँ से नीचे से इरेज कर लेना है। जहाँ तक आपका मॉडल रहेगा वहाँ तक इरेज कर लेना है। देन गाइस इरेज होने के बाद फिर से यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद फिर से आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है और फिर यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन चूज करके या फिर यहाँ ब्लर के आइकन पर क्लिक करके और फिर से यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन पर चूज करके देन गाइस इरेज के ऑप्शन पर चूज क्लिक करके और साइज को 60 से ऊपर रखिएगा या 40 से ऊपर रखिएगा। और देन गाइस जहाँ तक फिर इसमें मॉडल रहेगा आपको यहाँ तक इरेज कर देना है। और यहाँ से इरेज करने के बाद मैं आप लोग को आगे बताता हूँ क्या करना है। देन गाइस इतना होने के बाद यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ से कुछ बैकग्राउंड को 30 प्लस रखिएगा। 30 प्लस रखने के बाद आप लोग जहाँ तक मॉडल रहेगा वहाँ तक ब्लर अच्छे से रखिएगा और यहाँ से डन कर लेना है गाइस। डन करने के बाद आप लोग को स्टिकर पे क्लिक करना है। स्टिकर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बट सर्च मार लेना है जी या लो और यहाँ से कुछ नीचे आपको ये वाला हट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। और देन गाइस कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोटो में बैकग्राउंड के हिसाब से अपने मॉडल के हिसाब से रख लेना है। और देन गाइस यहाँ से इतना होने के बाद आप लोग को क्या एक चीज़ करना है, यहाँ से डन कर लेना है। और डन करने के बाद आप लोग को यहाँ से फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चूज करके और देन गाइस यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का ब्लर को कम कर लेना है, लगभग 14 रख लेंगे। 14 रखने के बाद यहाँ से फिर इरेज वाला आइकन पर क्लिक करके या फिर से यहाँ इरेज वाला ब्रश पर चूज करके और यहाँ से 60 प्लस, यहाँ से हार्डनेस को 40 प्लस रख के और नीचे से कुछ इस प्रकार से इरेज कर देंगे। जहाँ तक आपका मॉडल रहेगा वहाँ तक आप लोग इरेज कर दीजिएगा। देन गाइस यहाँ से इतना होने के बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा। और डन करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ से आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है। देन गाइस यहाँ से सैचुरेशन को अपने हिसाब से हल्का फुल्का प्लस कर दीजिएगा ताकि आपके फ़ोटो में बैकग्राउंड में कुछ क्लैरिटी आ जाएगा। यहाँ से डन कर लीजिएगा। इतना होने के बाद आपका जो भी मॉडल रहेगा गैलरी से जिसका बैकग्राउंड कट किए हैं उसको ऐड कर लेना यहाँ से ऐड कर लेना होगा। ऐड करने के बाद अपने मॉडल को चूज करने के बाद और अच्छे से सेट करने के बाद आप लोग को यहाँ से 2-3 PNG और ऐड करना है। तो आप लोग को यहाँ से स्टिकर पर सर्च मार के और यहाँ से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से सर्च कर लेना है ग्लो बटरफ्लाई। फिर ग्लो बटरफ्लाई सर्च करेंगे तो यहाँ से थर्ड नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बटरफ्लाई का, यहाँ से वाला बटरफ्लाई ले लेना है। फिर गाइस अपने हैंड पे उंगली पे कुछ इस प्रकार से हम यूज किए थे, आप लोग भी यूज कर लीजिए इसे करके। ये कुछ अच्छे से एकदम अच्छे से अपने उंगली पे बैठा लीजिएगा। और देन गाइस इतना होने के बाद आप लोग को कुछ और PNG ऐड करना है। आप लोग स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से ट्री लिख लीजिएगा, TREE सर्च मार लीजिएगा और यहाँ से ट्री सर्च मारेंगे तो कुछ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से ये वाला ऑप्शन दिखेगा, ये वाला स्टिकर देखेगा तो यहाँ से स्टिकर पर क्लिक कर लेना है। गाइस स्टिकर को ऐड करने के बाद आप लोग को कुछ ऊपर इस प्रकार से रख लीजिएगा और यहाँ से आप लोग को एक और स्टिकर ऐड करना है, नीचे की तरफ आना है नीचे। देन गाइस ट्री सर्च मारने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोग को उसमें PNG दिखेगा, आप लोग ऐड कर लीजिएगा या आपको जो भी ट्री सर्च मारेंगे तो बहुत सारा PNG दिखेगा ऐसे, मतलब डाली वाला। आप लोग जो भी अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं, तो मैं इस वाले को यूज करने वाला हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रख कर यहाँ से फिर से एडजस्ट पे क्लिक कर और यहाँ से सैचुरेशन को प्लस कर लेंगे, यहाँ से टेम्परेचर को भी हल्का फुल्का बढ़ा लेंगे और कुछ डन कर लेंगे। डन करने के बाद फिर से आप लोग को एक PNG ऐड करना है और ट्री लिखे रहेंगे उसी में का PNG ये भी रहेगा, तो यहाँ से ये वाला PNG ले लीजिएगा। आप लोग ट्री जब सर्च मारेंगे ना तो काफ़ी सारा PNG आएगा, हमको जो जो अच्छा लगा है वो वाला यूज किए, आप लोग को भी जो अच्छा लगे आप लोग यूज कर लीजिएगा।
देन गाइस इतना होने के बाद यहाँ से आप लोग फिर से स्टिकर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से सर्च मार लेना है ग्लो बटरफ्लाई। ग्लो बटरफ्लाई सर्च मारेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे जो बटरफ्लाई दिखेगी उसको ले आकर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे चाहे कहीं पे रख लेना है और फिर से आपको स्टिकर पर क्लिक करके इसमें से कोई और बटरफ्लाई चूज कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो वाला चूज कीजिएगा। देन गाइस मैं ये चूज करके और यहाँ पे रख ले रहा हूँ। इतना होने के बाद आप लोग का फोटो बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोग का भी ऐसे करेंगे तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका फोटो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपका भाई एकदम रियल तरीके से एकदम भावकाल तरीके से फोटो एडिटिंग करना सिखाया है। अगर आप लोग को थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।